दोस्तों अब आप घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऐसा नियम लाया गया है जिसके थ्रू आप घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। आपके घर में कोई बूढ़ी माँ है, कोई दादी है, या फिर अभी आपका 18 साल नहीं पूरा है लेकिन जिस दिन वोट है उस दिन पूर चुका होगा, तो ऐसे केस में भी आप घर बैठे ही वोटिंग कर सकते हो। इसको लेकर के एक नया नियम लाया गया है। इस नियम में क्या है, कैसे आप घर बैठे वोटिंग कर सकते हो, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। और यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, लोकसभा इलेक्शन 2024 इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस वोट फ्रॉम होम। जी हाँ गाइस, वोट फ्रॉम होम किसके लिए, फॉर एल्डरली एंड पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। मतलब पहली बार भारत में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस नियम को लागू किया जा रहा है इलेक्शन फॉर होम को लेकर के। जिस व्यक्ति की उम्र 85 साल से ऊपर हो चुकी है, वो कमजोर हो चुके हैं, वोटिंग करने नहीं जा पाएंगे, ऐसे केस में जो वोटिंग मेंबर होंगे वो आपके घर तक जाएंगे। भारत में कम से कम 82 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है। अगर वो वोट फ्रॉम होम को चुनते हैं तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनके घर पर आदमी भेजा जाएगा और वो घर बैठे ही वोट दे सकते हैं। ओवरऑल पूरे भारत में करीबन 2 करोड़ लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 218,442 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उनको भी वोट करने का ऑप्शन मिलेगा, घर बैठे वो वोटिंग कर पाएंगे। इस बार के लोकसभा इलेक्शन के जो कि 19 तारीख को होने वाला है, उनके जो चीफ कमिश्नर है राजीव कुमार के द्वारा इस चीज का खुलासा किया गया कि भारत में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मेच्योर हैं, जो कि हमारे सिटीजन लोग हैं, बूढ़े पुरान मतलब जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है, वो लोग जा करके वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जवान है वो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी वोटिंग फॉर होम का ऑप्शन दिया गया है और लोगों को वोट करने के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, जो शरीर से अनेबल है वोटिंग करने जाने के लिए उनके लिए गाड़ियां भी मौजूद होगी। इसके लिए सरकार के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, सक्षम ऐप, वहां पर आप खुद को इनरोल कर सकते हो कि आपको गाड़ी चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर हर बार इलेक्शन होता है वहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर को भी बनाया जाएगा ताकि कभी भी वोटिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रही है कि वुमेन्स की जो वोटिंग करने की क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2019 के इलेक्शन में 1000 पुरुष पर 928 महिला वोटिंग करने गई थी, जो कि अब 928 से 948 हो गया है। मतलब अगर 1000 पुरुष वोटिंग करने जा रहे हैं तो महिलाओं का जो संख्या है वो 948 है। मतलब 1000 महिला में 948 महिला वोटिंग कर रही है। अपने देश में टोटल 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि वोटिंग कर सकते हैं, जिसमें से 49.7 करोड़ मेल्स हैं और 47.1 करोड़ फीमेल्स हैं। इसके अलावा 48,000 लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। इसके अलावा 1.8 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत जगह वायलेंस हुआ था, जैसे कि मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा हो गया, तो जो लोग कैंप वगैरह में रह रहे हैं उनको भी वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा और वो जहाँ पर हैं उनको वहीं पर वोट करना है। मतलब सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि आप वोट दीजिए। वोट किसको देना है ये आपका अधिकार है, कि आप वोट जरूर दीजिए, आपका ये अधिकार है, आप जिसे पसंद करते हैं उसे वोट दीजिए। इसके अलावा गाइस आपको बता दूं कि अपने देश में रिमोट वोटिंग की भी चर्चा हो रही है। मतलब मान लीजिए गाँव में आप रहते हैं और काम करने के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जा चुके हैं, अब आपको अगर वोट देना है तो आपको गाँव आना पड़ेगा। ऐसे केस में बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं और अपने देश में इस तरह के 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए रिमोट वोटिंग का सिस्टम लाया जाएगा, इसकी चर्चा चल रही थी लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। हो सकता है कि 2029 के इलेक्शन में देखने को मिले। आई होप कि गाइस आपको इन सारी जानकारी से वोटिंग को लेकर के अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।